नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। महिलाएं पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं है। अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा और कभी हार न मानने वाले जज्बे के साथ जिन जिन महिलाओं ने इसे आज तक साबित किया है, उन्हीं में शामिल हैं हमारी आज की तेजस्विनी, जिन्होंने अपना करियर समुद्र में नदियों में ढूंढा, जो एक सेलर बनी, सी फेयरर बनी और देश की पहली और इकलौती मरीन पायलट हैं। हमारे आज की तेजस्विनी हैं रेशमा नीलोफर। जिंदगी में कुछ हटकर करना है, यही ठान कर समुद्र और नदियों में अपना करियर ढूंढा रेशमा नीलोफर ने और बन गई सेलर। 2 साल दुनिया भर में समुद्री यात्राएं की, लेकिन और बेहतर करने की चाह थी, सो बन गई समुद्री पायलट। सागर की नदियों की लहरों के खतरों का सामना करते हुए जलपोत को लाने ले जाने की जिम्मेदारियों को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट पर बखूबी निभा रही है रेशमा। इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपनी जगह बनाने वाली रेशमा ने जब अपने आप को साबित करने की ठानी तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी हिम्मत और जुनून के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा चुकी रेशमा मानती हैं कि लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान ना देते हुए अपने मन की सुनते हुए लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित देश की पहली और एकमात्र मरीन पायलट रेशमा नीलोफर हैं हमारी आज की तेजस्विनी। स्वागत है आपका रेशमा हमारे कार्यक्रम तेजस्विनी में। थैंक यू। सबसे पहले एक सवाल जिसका जवाब जानने की मुझे बहुत उत्सुकता है कि आप पहली मरीन पायलट हैं देश की, लेकिन ऐसा क्यों है कि आप इकलौती मरीन पायलट हैं? क्या कारण है कि ज्यादा लड़कियां इस फील्ड में नहीं आ रही हैं? देखिए, हम विमेन, वी हैव ऑलवेज थॉट कि हम लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, है ना। छोटे से हम लोग सोचते आते हैं कि ये दीज आर विमेन ओरिएंटेड जॉब्स, ये सब लड़कियां कर सकती हैं, ये सब नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे हम लोगों के सिस्टम में पहले से बोलते आए और बिलीव करते आए, इसीलिए शायद विमेन ट्राई नहीं किए, इसीलिए हुए नहीं। मैं पहली हुई थी, ट्राई की थी और सक्सेस भी मिली। तो आई थिंक कोई भी काम ज्यादा विमेन, व्हेन वी ट्राई वी विल नो वेदर वी कैन डू इट और नॉट। आई थिंक ये जॉब कोई भी लड़की के लिए, इफ आई कैन डू इट एनीबॉडी कैन डू इट, ये कोई लड़की के लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगी और रहा भी नहीं और रहेगी भी नहीं आगे भी। तो चलिए फिर इस बात के बारे में भी हमें जरूर बताइए कि आपको फिर कैसे पता चला कि इस लाइन में आपका भी प्रोफेशन हो सकता है और इसको भी करियर बनाया जा सकता है, कहाँ से हुई थी शुरुआत? एक्चुअली छोटे से मेरे इच्छा था कि एक डॉक्टर बनूं। एज अ किड, और जैसे मैं एज आई ग्रो अप, मैंने सोचा कि यू नो एट से अबाउट क्लास 8 क्लास 9 पे पता चल जाता है कि वे वी स्टैंड। तो अभी एक डॉक्टर एक गवर्नमेंट कॉलेज में, इफ यू वांट अ मेडिकल सीट यू नीड टू बी वेरी वेरी मेरिटोरियस। आई हैड मैं 90 से ऊपर लेती थी मार्क्स, लेकिन आई न्यू कि मेरे को स्टेट में टॉप रैंक्स में नहीं आएगी मेरे नंबर। सो तब मेरे को पता चला कि यू नो आई नीड टू लुक फॉर सम अदर जॉब। नाउ अ करियर ऐसा होने चाहिए, मेरे इच्छा था यही कि एक ऑफ बीट करियर चाहिए थी जो सब लोग नहीं करते हैं। एक रैट रेस नहीं बनेगी, वहां पे मेरे को घुसना नहीं है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग इंटरेस्टिंग जो मुझे खुद को चैलेंज करने की एक चांस देगी, ऐसे एक करियर चाहिए था। तो इसीलिए मैं जब ढूंढ रही थी और यू नो आवर न्यूज़पेपर्स वर माय ओनली सेवियर दैट टाइम, न्यूज़पेपर्स में ऐड आते थे कि यू नो सो एंड सो कंपनी इज हायरिंग, सो एंड सो एग्जाम्स आर हैपनिंग। सो ऐसी ही एक एग्जाम आई थी, नोटिफिकेशन आया था कि एक कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आया था एक शिपिंग कंपनी के, दिस वॉज द मर्स्क लाइन, डेनिश शिपिंग कंपनी है। तो इन लोगों ने एक नया तरीके से एक कोर्स रेडी किए और दे वर कम्प्लीटली स्पॉन्सरिंग हम लोगों के टोपी से लेके जूते तक, एवरीथिंग वॉज स्पॉन्सर्ड एंड वी वर ट्रीटेड एज एम्प्लॉइज डे वन से। एग्जैक्टली, सो इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पेरेंट्स पे ज्यादा यू नो फीस एंड कॉलेज उसका बर्डन नहीं आएगी। तो इट वॉज अ यू नो आई हैड नो सेकेंड थॉट्स। और तब हम लोगों ने ऐसे ही सोचे कि सिर्फ टाइटेनिक
मालूम था सबको, सबने टाइटेनिक मूवी देखे और सबको यही आया था कि जहाज मतलब इट हैज टू बी अ पैसेंजर शिप ऑफ दैट साइज. तो ऑब्वियसली मैंने भी वैसे ही सोच के ज्वाइन की. बट आफ्टरवर्ड्स एज आई ग्रू अप इनटू द करियर एंड एज आई मैच्योर्ड इनटू दिस करियर, तभी पता चला कि एक्चुअली ये कार्गो शिप्स भी होते हैं. यू नो कार्गो शिप्स पे कंटेनर्स या ऑयल टैंकर्स या डिफरेंट टाइप्स के शिप्स होते हैं. सो वैसे शुरुआत हुई थी और मैं ये मर्स्क कंपनी के कंटेनर शिप्स पे 2 साल काम किया और तभी पता चला कि पायलट्स कौन है. बिकॉज तब तक मैंने ये मरीन फील्ड में जब एंटर की थी तब भी मुझे मालूम नहीं थी कि जहाज के भी पायलट्स होते हैं. आज भी मैं जब भी पायलट बोलती हूँ फर्स्ट थिंग आई गेट आस्क्ड इज कौन सी एयरलाइन में काम, कौन सी एयरलाइन में. बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपने मुझे बताया कि आप 2 साल तक आपने सेलिंग की, पहला सबसे पहला अनुभव बताइए, जब पहली बार वो क्या मौका था जब आपको शिप पर चढ़ने का मौका मिला और एक सेलर के तौर पर, एक सी फेयरर के तौर पर आप शिप में गई. वो एक्चुअली द साइज ऑफ द शिप, वो एकदम एक गूस बम्स मोमेंट हो गई थी. बिकॉज इट द यू नो हाउ एवर मच कितना भी आप सोच के रखो कि जहाज इतना बड़ा हो सकता है, यू नो कि 280 meter के जहाज पर मैं चढ़ी थी पहली बार. तो जब मैं यूएस पे ज्वाइन की थी फ्रॉम द पोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क, तो वो मेरी जिंदगी में फर्स्ट फ्लाइट राइड थी. आई हैड नेवर स्टेप्ड ऑन अ फ्लाइट बिफोर, तो वो एयरप्लेन का वो फीलिंग भी था कि यू नो दिस वाज द फर्स्ट एवर टाइम आई वाज ट्रैवलिंग अलोन. और तब मैं 18 इयर्स ओल्ड थी जब पहली बार मैंने यू नो आई वेंट फॉर ज्वाइनिंग अ शिप. तो एंड व्हेन आई केम टू द एक्चुअल, मतलब गाड़ी पे ले गए थे और जब उतरे गाड़ी से, जब जहाज दिखाई पड़ा तो आई सॉ कि इट वुड नॉट फिट इन अ फ्रेम. एक अब सेलफोन कैमरा पे या कोई भी, मतलब इतना पास में आए थे और 280 meter, तो ऐसे देखने से लगता कि इतना ब्रह्मांड एक यू नो देयर इज अ मशीन विच इज सच अ ह्यूज मशीन विच इज अ मूविंग मशीन. ये कितना बड़ा एक इंजीनियरिंग मार्वल है फॉर ह्यूमन बींग्स. वाओ, सो पहला अनुभव था आपका. कहाँ कहाँ यात्राएं की है आपने उस 2 साल के पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो? हम लोग ना एज सी फेयरर्स वी गो वेरेवर द शिप टेक्स अस. तो हम लोगों के रूट पे वी हैड ट्रांस पनामा कैनाल क्रॉस किए, सुएस कैनाल क्रॉस किए, एंड वी हैव डन, आई हैव डन अ लॉट ऑफ ईस्ट कोस्ट यूएस पोर्ट्स, जहाँ चार्ल्सटन, ह्यूस्टन, ऑल दीज पोर्ट्स. And then on the west coast also. अब countries count करना है तो I think at least 20 होंगे. 20 countries हम लोग visit किए. बड़ा रोमांचक सा होता होगा ये समुद्री सफर, क्योंकि हम लोग को भी, आम जन को भी जो जानकारी मिलती है वो मूवीज के जरिए मिलती है, फिल्मों के जरिए जो कुछ हम देखते हैं. तो क्या वो रोमांच भी होता है या वो खतरा भी होता है, वो डर भी होता है, कैसा होता है एक अनुभव, क्योंकि आप तो बहुत छोटी उम्र से ही आपने काम शुरू कर दिया. वी गेट वेरी पर्सनल टू द शिप्स. हम लोग जहाज के अंदर काम कर रहे हैं और उसको चलाते भी और उसके नेविगेशन भी देखते हैं, उसके इंजीनियरिंग साइड भी देखते हैं. मैंने दोनों डिपार्टमेंट्स की तो उसके इसके पीछे जो इंजीनियरिंग है वो जब समझ में आती है, सो इट्स ओनली अ मार्वल, इट्स अ मार्वलस फीलिंग दैट यू नो इससे इतना पर्सनली हम लोग ये जहाज को जानते हैं इसके अंदर से बाहर तक. अच्छा, एक और पहलू के बारे में बात करना चाहूंगी रेशमा, क्योंकि आप पहली महिला मरीन पायलट थी, आप पहली बार किसी शिप में गई तो जाहिर है कि जो वहां पर काम करने वाले लोग थे उनके लिए भी पहला अवसर था कि एक महिला मरीन पायलट उनके बीच में आई हैं. तो ये आशंकाएं थी कुछ आपके मन में भी, और कैसे आपको रिसीव किया गया उस शिप पर, कैसे एडजस्टमेंट हुई आपकी बाकी सबके साथ? देखिए, ये तो ऑलमोस्ट एवरी अदर डे की काम है. ये एवरी अदर डे आई एम पुट अप विद दिस सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शन कि यू आर द पायलट. ऐसे मतलब पीछे भी देखते हैं कभी कभी कि इसके, इनके पीछे कोई और आ रहे हैं, कोई सीनियर, ये यू नो सम मेल पायलट इज कमिंग बिहाइंड दिस पर्सन. क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम में ना हम लोग एक मेल एक सीनियर के साथ जाते हैं, उनके साथ ही ट्रेनिंग होता है. तो मैंने 6.5 साल की ये ट्रेनिंग की विथ अनदर सीनियर कॉलीग, तो तब भी ये रिएक्शन देखे कि उनके पीछे मैं जब आती हूँ तो ओ आप भी आते हैं, आए, ओके वेलकम. तो कभी कभी पीपल आर यू नो दे लुक एट मी विद डिसबिलीफ कि ऐसे भी पायलट, ओ वाओ, ऐसे भी देखते हैं. और कभी कभी डर भी रहता है कि अरे
पहली बार महिला पायलट आई, अब कैसे मेरे जहाज ले जाएंगी कि क्या होगा, ये भी डर कभी कभी यू नो ऐसा भी फील किए हैं. एक्चुअली लॉट ऑफ कैप्टन्स हमको मेरे को सीधा ही बोले कि आई वॉज एक्चुअली बहुत डरते थे जब आप पहली आई थी, लेकिन अब काम हो गया तो आई रियली बिलीव कि हाँ आप भी ये कर सकती हैं और बहुत अच्छे किए. काम क्या होते हैं आपके रेशमा एक मरीन पायलट के तौर पे, क्योंकि आप अब कोलकाता पोर्ट पर काम करती हैं, तो पोर्ट पर मरीन पायलट की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? जी हम लोगों के एक्चुअली द नेचर ऑफ जॉब, मतलब मैं क्या करती हूँ ऐसे सोचेंगे तो ऑल टाइप्स ऑफ शिप्स, कोई भी टाइप के जहाज अगर आपके पोर्ट पे आएगी, पोर्ट लिमिट्स के अंदर आएंगे, तो उनको एक पायलट पिकअप करना है. एक पायलट उन जहाज को अंदर और बाहर जाने में मदद करेंगे. कैप्टन रहते हैं जहाज पे, कैप्टन इज द कमांडिंग ऑफिसर ऑन द शिप, लेकिन कैप्टन को हर एक पोर्ट के न्यूएंसेस और जो छोटे छोटे चीजें याद रखना है और छोटे छोटे इंफॉर्मेशन जो लगता है उनके जहाज को अंदर तक ले जाने और वापस ले आने में, सो ये मदद हम लोग करते हैं. वी आर एडवाइजर्स, वी कंडक्ट द नेविगेशन हियर इन दिस रिवर. ये रिवर में, नदी में कहाँ पे पानी है, कहाँ पे पानी नहीं कम है, या फिर किस तरह के विंड, कौन से महीने में, विच मंथ्स कैसे टाइप के विंड आता है. और ये टाइड्स भी एक अलग चीज है जो रिवर हुगली में काफी आप देखे होंगे, नदी में पानी ऐसे बहुत जोर से जाता है यहाँ पे, वेरी वेरी फास्ट फ्लो ऑफ टाइड, तो वो टाइड को कैसे हैंडल करना है, हाउ टू मेक अप फॉर इट. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड माई मेन जॉब एज एज एन एम्प्लॉई ऑफ द पोर्ट ये भी रहता है कि पोर्ट के जो भी कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन है उनको जहाज के डेंजर से बचाना, ये भी मेरे काम होता है, और जहाज को दूसरे डेंजर से बचाना ये भी मेरे काम है. लेकिन हमने सुना है कि जो हुगली का जो रास्ता है पोर्ट में उसको हैंडल करना आसान नहीं होता, सबसे मुश्किल चैलेंजिंग माना जाता है इसे, तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? और वैसे किसी आम व्यक्ति के लिए अगर कोई सुने तो लगता है कि पोर्ट में वहां से यहाँ लेकर आ गए शिप को, ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप अपने काम को अगर हमें और विस्तार से बताएं क्या चैलेंजेस होते हैं और कितने घंटे लग सकते हैं शिप को अंदर लाने में और कितनी दूरी हो सकती है खासतौर पर कोलकाता पोर्ट की जिसको आप हैंडल करते हैं? जी ये रिवर हुगली है ना, दिस इज एक्चुअली रिवर गैंजेस. गैंजेस को इस पार्ट ऑफ द कंट्री पे हुगली रिवर बुलाया जाता है. अभी ये रिवर हुगली इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट नेविगेबल रिवर्स इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में. सो ये डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पानी के डेप्थ कम रहता है और सैंड्स, जो पानी में जो सैंड मूवमेंट होता है वो भी हमेशा की तरह चैनल एक साइड में नहीं रहता है, किसी किसी मंथ्स पे सैंड इधर उधर शिफ्ट होता है, तो हमें ये सर्वे करके पता करना पड़ रहा है और उसके बाद उसी हिसाब से हम लोगों को जहाज जहाँ पे बेस्ट डेप्थ है वहां से ले जाना पड़ रहा है. ये अनदर रीजन होता है. अनदर थिंग लाइक आई सेड, टाइड इज देयर. टाइड जो पानी के फ्लो है वो सब जगह, इवन सी पोर्ट्स में, मान लीजिए मुंबई या चेन्नई, ये सब सी पोर्ट्स होते हैं, वहां पे पानी के रनिंग वाटर इज नॉट दैट फास्ट. यहाँ पे आपके 20 किलोमीटर पर आर के लगभग ऐसे स्पीड में पानी जाता है और आता है दो बार इन अ डे. सो इसमें जहाज चलाना मुश्किल भी होता है और ये नैरो रिवर भी है. समुन्दर जितना मतलब वाइड होता है, यहाँ पे रास्ता बहुत नैरो हो जाता है. जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बहुत पतले से रास्ते में आप बड़ा सा एक ज़ाइलो का गाड़ी ले जा रहे हैं, ऐसे ही है. बिकॉज वी हार्डली हैव एनी रूम फॉर अनदर शिप, और ट्रैफिक मीट करना ये सब आसान नहीं होता. तो दीज आर द रीजंस व्हाई दिस रिवर इज वेरी स्पेशल. बहुत चैलेंजिंग होता है और वेरी वेरी किस तरह के खतरे भी होते हैं, क्योंकि अगर बाय चांस आपने कहा कि नैरो जगह से शिप जा रही और शिप ब्रेक डाउन हो गया, शिप खराब हो गई, या देर सवेर देर रात कोई ऐसे घटनाएं या ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं कि आपको जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो किस तरह के खतरे भी इसके साथ जुड़े हुए हैं? जी देखिए, ये जहाज है ना, लाइक आई सेड इट्स जस्ट अ मशीनरी. ये मशीनरी कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है, कभी भी कुछ स्टक हो जाता है. लाइक व्हेन वी हैव अ स्टीयरिंग व्हील, वो स्टीयरिंग व्हील कभी फेल हो जाता है, उसका मोटर फेल होता है, या फिर स्टीयरिंग व्हील एक साइड में
हटक गया या फिर जहाज के इंजन सडनली बंद हो गया कुछ कारण के वजह से. सो देन हम लोगों के काम ये होता है कि पहले डैमेज अवॉइड करना, और अगर डैमेज इनएविटेबल है कि होगा ही, मतलब ऐसे ही यू कैन नॉट सेव इट फ्रॉम डैमेज, देन वो डैमेज को मिनिमाइज करना भी अपने काम होता है, मेरे काम होता है. सो जहाज ऐसा चीज नहीं है कि जो जैम ब्रेक करने से इमीडिएटली रोक जाता है. जहाज को रोकने में बहुत टाइम लगता है, और उस टाइम में वो ट्रैवल भी करते जा रहा है विद द वाटर फ्लो. तो उस टाइम में वो किस तरह जा रहा है, किस तरह नीचे लग जाएगा पानी नहीं रहने से, और किस तरह लगने से रिट्रीव करना इजी है, और कहाँ पे नंगर मारना पड़ता है. वी हैव टू एंकर्स इन अ शिप, तो दोनों साइड के एंकर्स यूज करते हैं टू सेव फ्रॉम यू नो मिनिमाइजिंग द डैमेज एंड ऑल. तो फिर तो आपको बहुत, जिसे कहते हैं ना, क्विक डिसीजन लेना होता होगा, त्वरित निर्णय, बहुत कम आई टिपिकली कॉल इट दैट फॉर दिस जॉब सबको एक नर्व्स ऑफ स्टील की जरूरत है, क्योंकि क्विक इमीडिएट डिसीजंस लेना पड़ता है. यू कैन नॉट टेक योर ओन स्वीट टाइम, कि ऐसा नहीं बैठ के सोचेंगे फिर डिसाइड करेंगे, ऐसे टाइम नहीं रहता. व्हेन इट इज गॉन यू हैव टू इमीडिएटली रिएक्ट कि हाँ एंकर पार्टी भेजिए, दो बंदे रेडी रहेंगे, और यहाँ पे कैसे स्टीयर कर रहा है, बिकॉज मोमेंट यू लूज योर इंजन तब आपका जहाज बिहेव नहीं करता, इधर उधर जाता है. तो उसको वो किस साइड पे जा रहा है और किस उस साइड में क्या डेंजर है, ये सब कुछ सोचना पड़ेगा. बड़ी जिम्मेदारी का काम है, जरूर कहना पड़ेगा. लेकिन रेशमा, एक महिला के तौर पर आपको इसमें क्या मुश्किलें आती हैं, या आपके लिए कितना चैलेंजिंग और हो जाता है एक महिला के तौर पर इस जॉब में काम करना? देखिए, जहाज पे अर्लियर डेज हम लोगों के बहुत लोग अभी भी बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि ये महिलाएं के लिए सेफ है कि नहीं. अभी क्या हो गया, द International shipping community has become much more decent. They have become they all respect each other. तो इसमें misbehavior की question नहीं आता है, क्योंकि I am going as an advisor. I am the most respected person. I am taken as a guest. I am taken in as a bridge team member. तो उनके जहाज के member भी सोचा जाता है और guest भी सोचे जाते हैं. तो दोनों के फॉर बोथ पीपल यू गिव द बेस्ट रिस्पेक्ट, यू गेट द बेस्ट बिहेवियर फ्रॉम एवरीबडी. तो वो जब मिलता है तो सेफ्टी का क्वेश्चन नहीं आता आजकल. सो इट इज अ वेरी सेफ जॉब फॉर वुमेन. बट लेकिन हम लोगों के जो काम है, लाइक आई सेड, टू टाइम्स टाइड्स ऊपर जाता है फिर दो बार नीचे जाता है. तो हम लोगों के पैसेज फॉर द शिप्स, दिस इज ऑल टाइम्ड. दिन में ऐसे ऐसे टाइम में ही जहाज चालू कर सकता है कहीं से. सो इन दैट टाइम, दिस टाइम कैन बी अराउंड द क्लॉक, राइट. तो हम लोग 366 डेज 24/7 हम लोगों के ड्यूटी मिल सकता है. हम लोग दो दिन काम करते हैं और दो दिन ऑफ रहता है. ये दो दिन इट कैन बी वीकेंड ऑल्सो, इट कैन बी वीकडे ऑल्सो, कभी भी हो सकता है. और ऑफ डेज में नोबडी विल डिस्टर्ब यू, लेकिन जब काम पे आते हैं, ड्यूटी पे लगता है, वो कभी भी लगता है, एनी टाइम. तो राउंड द क्लॉक आपको काम करने की जरूरत पड़ता है. ये जॉब के लिए ना फिजिकल एक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट है, मेंटल एक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग, यू कैन नॉट टेक योर हाउस इश्यूज और प्रॉब्लम्स इन योर हेड व्हाइल यू आर वर्किंग. आप ड्यूटी पे जब हैं, वो सब पूरा भूल जाने का है, और यू हैव टू बी फिजिकली मेंटली प्रेजेंट ऑन द जॉब. एंड द अदर इज द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. हम लोगों के काम पे, ये जहाज पे चढ़ना उतरना, एक रोप लैडर से करना पड़ता है, और वो लैडर एकदम वर्टिकल है. इट इज नॉट लाइक लैडर जैसे हम लोग जैसे चढ़ने के लिए जाते हैं, और वो स्टिफ लैडर होता है जो आप लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग जहाज पे जो चढ़ते हैं वो रोप लैडर होता है, वो झूलता है एक्चुअली. हाँ, चढ़ के जाना है. तो इन बैड वेदर, जब बहुत हवा रहता है, या फिर बारिश वारिश बहुत बहुत कुछ, हवा ज्यादा है, ये सब के मानसून मंथ्स में इट गेट्स वेरी बैड वेदर, जहां पे वेव्स के ऊपर आपके बोट भी मूव कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, और आपके जहाज भी ऊपर नीचे कर रहा है और स्विंग भी कर रहा है, रोलिंग पिचिंग. राइट. आपने भी बीच में बात की कि परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, तो आपके पेरेंट्स ने आपका हमेशा इस लाइन पे सपोर्ट किया, क्योंकि एक नई तरह के फील्ड थी, उनके मन में भी कुछ शंकाएं होंगी कि पता नहीं बेटी क्या करने का सोच रही है, क्या होगा आगे. आई हैव माई पेरेंट्स एंड माई बड़ी दीदी है, सो दे हैव ऑल बीन the biggest support for me. क्योंकि जब छोटी सी थी तभी से बोले कि स्कूल तक हमारे जिम्मेदारी होता है आपके पढ़ाई,
लेकिन उसके बाद जो भी चूज करोगे वो अपने चॉइस रहेगी, और उसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहेगा सब काम में, तो वो सब आपको फेस भी करना है और उससे बच के आना भी है. यू हैव टू ओवरकम दैट ऑल्सो. तो दिस वॉज देयर ओनली एडवाइस फॉर मी कि आप जो भी करना है, जो जिसमें आपको मन लगा वो पढ़ाई कीजिए, लेकिन उस पे जो भी प्लस एंड माइनस है वो फेस करने का. ऑल्सो दे हैव ऑल्सो ब्रॉट मी अप विद दैट स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ माइंड कि मैं सब कुछ, जो जितना भी डिफिकल्टीज आएगा उसको ओवरकम करके आ सकती. और बहुत एक संवेदनशील बेटी है आप, क्योंकि आपने कई बार अपने बातचीत में हमारे साथ आपने बात बोली कि मम्मी पापा पे बोझ ना पड़े मेरी पढ़ाई का. तो ज्यादातर बेटियां, मेरे को लगता है, मम्मी पापा के बारे में ये फील करती हैं कि हम ज्यादा उन्हें परेशान ना करें, लेकिन उनका सपोर्ट, उनका सहयोग जरूर करें. आप सी फेरर थी, सी फेरर से आप मरीन पायलट क्यों बनी? जब हम लोग ना पहली एक काम पे जाते हैं, वी ऑलवेज आइडलाइज समबडी, राइट, जिसपे जिसको हम लोग देख के वी ऑ एंड एडमायर कि एक दिन उनके जैसे होना है. तो मैं पहली जब जहाज पे गई थी सी फेरर बनके, तो पहले तो एवरीबडी आइडलाइजेस द कैप्टन्स बिकॉज ही इज द कमांडिंग ऑफिसर. तो उनको सब, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स देम एंड दे लिसन टू हिम, एंड द कैप्टन वेदर मेल और फीमेल दे हैव द बेस्ट एडवाइस ऑफर्ड टू एवरीबडी एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइफ अराउंड देम. तो नाउ उनको पहले मैं आइडलाइज करती थी. उसके बाद आई सॉ दैट एवरी पोर्ट, जब भी हम लोग जो पोर्ट पे जाते थे, the captain reveres and respects a person whom he or she is receiving, and wo pilot ko bahut samman dete hain aur pilot ke baat pure mante hain. They just almost always listen to the pilot's advice, and usually you don't need to question the pilot because unke jo advice hai sabse best advice ho sakta hai aapke jahaz ko. So then I thought ki this is the person whom I idolize. कि ये कैप्टन को भी एडवाइस करते हैं, मतलब ये दिस इज लाइक अ पिनकल ऑफ द सी फेयरिंग जॉब्स. तो आपने सोचा कि मरीन पायलट बनना चाहिए. मरीन पायलट बनना. चलिए यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जिनके थोड़े छोटे जवाब आपसे लेना चाहूंगी. सबसे पहले कि आपने इस काम को लेकर आपको कोई डर कभी महसूस हुआ, क्या रहा? फियर ऑफ हाइट्स. वो पहली पहले जब ज्वाइन किए थे, फियर ऑफ हाइट्स वॉज देयर, क्योंकि कभी कभी जहाज से 15 मीटर या 11 मीटर 12 मीटर यू हैव टू कम डाउन और क्लाइम करने में नीचे ना देखने से पता नहीं चल रहा, लेकिन क्लाइम डाउन करने में, उतरने में तो आपको नीचे देखना ही है. हर स्टेप पे देखने में थोड़ा लगता है, दुख दुख कर रहा है. तो वो डर था पहले, और अभी वो ओवरकम हो चुका है बिकॉज ऑफ. बिल्कुल. अच्छा, लाइफ में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? I think life pe this, I'm very tied up between two answers. One is my family, the other one is my happiness. Okay. Or, I think or, or you can intertwine both and say yeah. that the happiness of my family and myself. Okay. Kise apna role model manti hai aap? Mere biggest inspirations for me is the everyday champions around us. Hamare beech daily jo bahut adversity फाइट करके स्टिल दे मैनेज टू कीप अ स्माइल ऑन देयर फेसेस एंड दे हेल्प अस इन अ डेली बेसिस. लाइक हमारे सैनिटेशन वर्कर्स, दे हैव वेरी डिफिकल्ट लाइव्स बिकॉज दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन वो उसके हिसाब उसके बाद भी एक स्माइल लेके डेली काम पे आते हैं और डेली हमको हेल्प करते हैं. तो मैंने सही कहा कि आप बड़ा संवेदनशील हृदय रखती है आप, रेशमा. अगला सवाल, आपके लिए एक सामान्य सा दिन कैसे बीतता है? Usually is waking up pretty early. काफी early wake up करते हैं duty के दिन. So say 4 बजे या 3:30 बजे, फिर 5 बजे निकले या 5:30 को निकले, uniform पहने. So because we wear the uniform, I take a big pride in my uniform. तो उसको अच्छे से ready करके रखा हुआ previous day and all that. तो जहाज पे गए, और जहाज पे it can take up to 10 to 12 hours in one day, one ship. एक दिन में एक जहाज को 78 नॉटिकल माइल्स ले जाना है, तो उसपे 10 से 12 घंटा भी कभी लग सकता है, या फिर 4-5 घंटे में भी हो जा सकता है कभी. डिपेंड ऑन, चैलेंजिंग है आपका डेली रूटीन कहना पड़ेगा. हाँ. अच्छा, इतनी यात्राएं की हैं आपने, कौन सी जगह ऐसी है जो आपको बहुत पसंद आई? जब ट्रैवल करती थी मुझे बहुत अच्छा लगा स्लोवेनिया में, एस्टोनिया में,
दीज आर स्मॉल स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज विच आर एब्सोल्युटली क्लीन एंड मतलब स्पिक एंड स्पैन रहता है. पीपल आर वेरी वेरी जोवियल फ्रेंडली एंड it's beautiful. Wo bahut bahut they take a lot of pains to make a place presentable. Hamesha hamesha flowering plants ye wo sab kuch matlab hamesha saja ke rakhte hain ye jagah. Acha koi aisi jagah hai jahan jane ki abhi ichha hai? Mujhe India mein kone kone dekhna hai. That is my biggest ye because maine सब जगह देखे. स्विट्जरलैंड जाने की बहुत इच्छा अभी भी है. मालदीव्स जाने की बहुत इच्छा है. लेकिन ईच एंड एवरी टाइम आई गो टू से फेसबुक और कोई वीडियो दिखती है उसमें इंडिया के इंडिया में कोने कोने जगह पे एक छोटा सा मंदिर, छोटा सा एक जगह और सम बीच हियर एंड देयर. वो इतना सुंदर लगता है कि कभी लगता है कि वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड आवर ओन प्लेस, यू नो. वो पहले इंडिया को देखना चाहती है पहले. यस, कोने कोने ढूंढ ढूंढ के देखना. रेशमा, अपने जीवन के अनुभव के आधार पर आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? I will specifically talk something for the women in the country. क्योंकि मुझे जो सबसे ज्यादा मतलब बड़ा सा लड़ाई जो करना पड़ा वो खुद से करना पड़ा, which was the most difficult fight. क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और ये तुमसे नहीं हो पाएगा, वो तुमसे नहीं हो पाएगा. बट जिस दिन आप वो सुनने लगते हैं और खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं तभी आपके फाइट बहुत मतलब दूसरे लेवल के डिफिकल्टी पे चली गई बिकॉज यू डिड नॉट बिलीव इन योरसेल्फ. तो फर्स्ट थिंग इज यू कैन नॉट सेल्फ डाउट. कुछ चीज अगर लगता है कि मैं कर पाऊंगी तो आप करके देखो कि कर पाएगी कि नहीं. वो पहले करना है कि डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ, डू इट एंड सी वेदर यू कैन डू इट और नॉट. Okay. चीज है कि when we do something, do it to the best of your ability. अंत में जिंदगी में अब क्या हासिल करना चाहती हैं आप? I want to keep going up in my career graph, in my personal graph. सबको ये ग्राफ ऊपर जाते रहे और कोई भी अगर stumble कुछ करे तो वो stumble करते वक्त भी ये strength रहे जो आज है जो ऊपर जा रहे. चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है. उम्मीद करते हैं कि जो आप कह रही हैं वो जरूर करके भी दिखा सकें. बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा हमारे साथ बात करने के लिए. थैंक यू. आज के तेजस्वी कार्यक्रम में बस इतना ही. आपके ईमेल्स हमें लगातार मिल रहे हैं और उन सब का जवाब भी हम जरूर देते हैं. तो अपने जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो हमसे जरूर साझा करिए. हमारी आज की इस तेजस्विनी ने भी अगर आपके दिल को कहीं छुआ है तो अपने एहसास हमें जरूर लिख भेजिए. हमारा ईमेल tejaswini.edunews@gmail.com. तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ. नमस्कार.